माता की, भारत माता की, भगवान एकलिंग नाथिया की, सांवलिया सेठ की, माता त्रिपुरा सुंदरी की, मेवाड़ की रक्षक बायण माता, कालिका माता, सगरा माता को मेरा बार बार प्रणाम। महाराणा प्रताप और गोविंद गुरु की ये धरती पूरे देश के स्वाभिमान और सम्मान की प्रतीक है। यहां के कण कण में देश प्रेम की महक है। महान ऋषियों की साधना की अनुभूति है। रानी पद्मिनी, रानी कर्णावती, रानी फूलकुंवर के बलिदान ने इस धरती का गौरव बढ़ाया है। ये पन्नाधाय की धरती है, जिन्होंने कर्तव्य का पालन करने के लिए अपनी संतान का बलिदान देने में एक क्षण नहीं लगाया। इस जगह की पहचान मीराबाई से है। उनके प्रेम और समर्पण जैसा दूसरा कोई और उदाहरण नहीं है। मैं मेवाड़ की इस पावन भूमि को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। मेरे परिवारजनों, राजस्थान की विरासत, संस्कृति और इतिहास की गाथा मेवाड़ के बिना पूरी नहीं हो सकती। ये मेवाड़ की माटी भारत माता के मस्तक पर तिलक की तरह है। लेकिन इस धरती को जब जब कांग्रेस की नजर लगी है, तब तब इसके स्वाभिमान को गहरी चोट पहुंची है। कांग्रेस की सरकार में राजस्थान के लोगों के साथ मानवता को शर्मसार करने वाली वारदातें हो रही है। उदयपुर में कन्हैयालाल जी के साथ आतंकी घटना कांग्रेस सरकार पर बहुत बड़ा दाग है। ऐसी जघन्य वारदात उदयपुर में इसलिए हुई क्योंकि यहां आतंकियों के साथ सहानुभूति रखने वाली कांग्रेस की सरकार है। साथियों, कांग्रेस सरकार की तुष्टीकरण की नीति ने राजस्थान की संस्कृति, राजस्थान की विरासत, राजस्थान के गौरव को खतरे में डाल दिया है। जैसे हालात राजस्थान में पहले कभी नहीं बने, वो पिछले 5 साल में हमने देखे हैं। किसने सोचा था कि राजस्थान में कभी रामनवमी की शोभा यात्रा और कांवड़ यात्रा पर भी प्रतिबंध लग सकता है। लेकिन ये पाप
कांग्रेस सरकार ने किया है। क्या ऐसी कांग्रेस सरकार को राजस्थान में रहने देना चाहिए? ऐसी कांग्रेस को राजस्थान में जगह मिलनी चाहिए? आज यहां कांग्रेस सरकार है इसलिए पीएफआई जैसे आतंकी संगठन बेखौफ होकर रैलियां निकालते हैं। आतंकियों की हमदर्द कांग्रेस सरकार राजस्थान को तबाह करके मानेगी। क्या हम राजस्थान को तबाह होने देंगे? क्या हम राजस्थान को तबाह होने देंगे? क्या हम राजस्थान को बर्बाद होने देंगे? राजस्थान के कितने ही क्षेत्रों में अब गरीबों के पलायन की खबरें आने लगी है। राजस्थान में कांग्रेस सरकार रही तो ये और भी बढ़ेगा। इसलिए अब राजस्थान को देर नहीं करनी है। 25 नवंबर को पूरे उदयपुर को, पूरे राजस्थान को इस संकल्प के साथ वोट देने के लिए निकलना है कि कांग्रेस सरकार को अब हटा करके ही रहेंगे। मेरे परिवारजनों, आज राजस्थान में न दलित, पिछड़े और गरीब सुरक्षित है और ना ही हमारी बहन बेटियां सुरक्षित है। कांग्रेस ने महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामलों में राजस्थान को नंबर वन बना दिया है। कांग्रेस सरकार महिलाओं के खिलाफ अपराध को काबू कर पाने में पूरी तरह नकारा साबित हुई है। और शर्मनाक ये कि कानून व्यवस्था के सवाल पर कांग्रेस के मंत्री मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि ये मर्दों का प्रदेश है। डूब मरो कांग्रेस के लोगों, आपके मुंह से ऐसे शब्द निकलते हैं? आपने सिर्फ राजस्थान की माताओं बहनों का ही अपमान नहीं किया, आपने राजस्थान के मर्दों का भी अपमान किया है। राजस्थान के मर्द माता बहन की इज्जत के लिए अपना सर कटाने के लिए तैयार होने वाले लोग होते हैं। उनकी मर्दानगी माता बहनों की रक्षा के लिए समर्पित होती है। और तुम्हारे मंत्री सबके बीच बेशर्मी से ऐसी भाषा का प्रयोग करे? मेरे प्यारे परिवारजनों, ये कांग्रेस की यही असली सोच है।